भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का बल्ले से ऐसे समय कमाल देखने को मिला जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई टेस्ट मैच के पहले दिन के आखिरी सेशन में टेस्ट क्रिकेट में अपना छठा शतक पूरा किया और साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए थे। वहीं चेन्नई टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन बना लिए थे, जिसमें रविचंद्रन अश्विन 102 और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अब तक 7वें विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी हो चुकी है। रविचंद्रन अश्विन चेन्नई टेस्ट मैच में जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तो उस समय भारतीय टीम ने 144 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गवा दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविचंद्रन अश्विन का ये चेन्नई के चेपॉक पर दूसरा टेस्ट शतक है। ये मैदान अश्विन के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। आपको बता दें कि अश्विन भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं जो शतक लगाने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि विजय मर्चेंट 40 साल 21 दिन, राहुल द्रविड़ 38 साल 307 दिन, वीनू माकड़ 38 साल 269 दिन, वीनू माकड़ 38 साल 234 दिन और रविचंद्रन अश्विन 38 साल 2 दिन, ये सभी खिलाड़ी ज़्यादा उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए रविचंद्रन अश्विन 7वें या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक लगाने के मामले में अब महेंद्र सिंह धोनी के बराबर पहुँच गए हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर भारतीय टीम के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव हैं जिन्होंने कुल 7 शतक लगाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अश्विन का ये उनके टेस्ट क्रिकेट में अभी तक का सबसे तेज शतक भी है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में सिर्फ 108 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।